Welcome to my channel Study with Kartik. Today we'll study English grammar gender. Let's continue from the previous video. Forming feminine nouns. आज हम लोग सीखेंगे कि feminine nouns कैसे form करते हैं. We can change a masculine noun to its feminine form by adding ess. ज्यादा nouns में in most masculine nouns ज्यादातर masculine nouns को अगर हम लोग को feminine nouns में बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग को ess add करना. Sometimes the spelling of the masculine have to be changed when forming the feminine gender. लेकिन कभी कभी जो होता है masculine noun का उसका spelling change करना होता है तब वो feminine gender बनता है. जैसे कि example countess. यहाँ पर हम लोग ess add कर दी है feminine बनाने के. Giantess, god, goddess. तो यहाँ पर हम लोग को god को d भी add करना. Lion, lioness. Priest, priestess. Actor, actress. Duke, duchess. Master, mistress. तो इसमें हम लोग को ऐसे करना होता है अगर हम लोग को ess add करना होता है और ज्यादातर nouns masculine nouns में अगर हम लोग को वो feminine बनाना होता है. In some cases, an entirely different word is used. कोई कोई nouns को अगर हम लोग को feminine बनाना होता है तो उसमें एकदम अलग वर्ड यूज होता है. जैसे कि एग्जांपल अंकल आंट. अंकल यहाँ पर यू होगा आंट. ब्रदर सिस्टर किंग क्वीन. समटाइम्स द फेमिनिन जेंडर कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग द मैस्कुलिन वर्ड एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ कंपाउंड. कोई कोई जो होते हैं मैस्कुलिन नाउंस वो कंपाउंड नाउंस होते हैं. कंपाउंड नाउंस मतलब हुआ कि दो नाउंस को जो मिलकर बनता है वर्ड वो हुआ है कंपाउंड नाउंस. जैसे कि ब्रदर इन लॉ तो इसका होगा सिस्टर इन लॉ. ब्रदर को हटाकर हम लोग सिस्टर इन लॉ कर दें. ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर. तो फिर ग्रैंड फादर जो है वो एक कंपाउंड नाउन हो गया क्योंकि यहाँ पर रह गया ग्रैंड फादर. यहाँ पर दो वर्ड्स है इसलिए. और ग्रैंड मदर ही गोट सी गोट. और मिल्क में कहा होगा मिल्क मैन मिल्क में. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. प्लीज शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.